नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। एक बार फिर से सिमरिया विधायक ने अपनी औकात दिखाई है। इस बार विधायक ने आवाज उठाने वालों पर नहीं बल्कि शोषित पीड़ित आम जनता की आवाज उठाने वाले विराट 24 यूट्यूब चैनल हेड के खिलाफ अपने चहेते खनिज माफिया से झूठी शिकायत कर मामले को दर्ज कराया है। मामला भी ऐसा जिसका दूर दूर तक हमारे चैनल से वास्ता नहीं है। दरअसल खबरों से बौखलाए विधायक ने यह झूठा आरोप लगाया कि चैनल हेड के द्वारा बनकुया बाईपास में जाकर 5 लाख रुपयों की मांग की गई और जब उसने उक्त रकम नहीं दिया तो सिमरिया विधायक के ऊपर आक्रोशित जनता से जुड़ी हुई खबर दिखाई गई। सबसे हंसी वाली बात ये रही कि पुलिस भी विधायक के दबाव में आनन फानन में FIR दर्ज कर लिए। पुलिस ने यहाँ तक नहीं सोचा कि मामले की जांच की जानी चाहिए। खैर, सोचेगी भी कैसे, अगर विधायक के क्षेत्र में थाना प्रभारी बनकर रहना है तो ये सब करना ही होगा। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि ये वही थाना प्रभारी विद्यावारिध तिवारी के द्वारा FIR दर्ज की गई, जिनके थाने का आरक्षक 20,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो चुका है। इन पर भी आरोप लगा था कि 15,000 रुपये थाना प्रभारी को देने के लिए उसने रिश्वत की मांग की थी। इसके पहले भी हनुमाना थाना में पदस्थ रहते हुए इनकी सास की गाड़ी सीधी जिले में वसूली करने जा चुकी है, जिसकी खबरें भी हमने दिखाई हैं। फिर ऐसे भ्रष्ट थाना प्रभारी से उम्मीद ही क्या की जा सकती है, वह किसी को भी आरोपी बनाने से पहले जांच पड़ताल क्यों करे। सीधे सत्ताधारी विधायक के दबाव और अपनी खुन्नस निकालने के लिए FIR दर्ज कर लिया। विधायक ने यह भी नहीं सोचा कि शिकायतकर्ता ने लिखा है कि 12 तारीख की सुबह 7 बजे चौराहटा थाना क्षेत्र के बनकुया में हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे और भाजपा बनकुया मंडल अध्यक्ष अमित पांडे की मुलाकात हुई थी। अगर हुई थी तो पुलिस को दोनों की लोकेशन ट्रेस करनी थी, पर किया नहीं। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आरोप लगाने वाले ने खुद कहा कि हमारे चैनल हेड ने मोबाइल में उन्हें एक वीडियो दिखाया था और कहा था कि अगर 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, जिससे यह साफ हो जाता है कि हमारे चैनल हेड अपने साथ मोबाइल लेकर रखे थे। वहीं अगर पुलिस मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करती तो सत्यता जरूर सामने आती। इतना ही नहीं, चैनल हेड के घर में CCTV कैमरे भी लगे हैं, जिसमें 11 तारीख की रात 11 बजे से 12 तारीख की सुबह 9 बजे तक वो अपने घर में अपने परिवार के साथ है। पूरा CCTV कैमरे में कैद है, जो सच्चाई उजागर कर देती। लेकिन ना तो थाना प्रभारी ने जांच कराने की जहमत उठाई और पूछताछ की, बल्कि सीधे अपने आकाओं के दबाव में आकर FIR दर्ज कर दी, जो जांच का विषय है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय से न्याय की गुहार लगाएंगे। आप भी जान लीजिए, भाजपा युवा मोर्चा के बनकुया मंडल के अध्यक्ष के चोले में छिपे अमित पांडे की असली पहचान क्या है, साथ ही किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से इनका संबंध है। कारण नंबर 1, अमित पांडे खनिज माफिया मोती पांडे का इकलौता बेटा है, जो बनकुया मंडल अध्यक्ष सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी का खास है, जिसे खबर चलाने से ठेस पहुंची है। 1992 में तत्कालीन कलेक्टर अमर सिंह ने मोती पांडे के मरहा दादर स्थित अवैध उत्खनन के ठिकानों पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में अवैध पत्थर जब्त किए गए। तत्कालीन सिरमौर विधायक रामलखन सिंह पटेल ने विधानसभा में सवाल उठाया तो विधानसभा से समिति बनाकर जांच कराई गई, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन मैहर के विधानसभा मथुरा पटेल सहित 35 अन्य सदस्य थे, जिनके द्वारा मोती पांडे और अन्य को दोषी पाया गया। इतना ही नहीं, उक्त जब्त पत्थर को मोती पांडे ने बेच लिया, जिसकी जांच हुई और मामले को सत्ता के दबाव में रफा दफा कर दिया गया। कारनामा नंबर 2, मोती पांडे अपनी पत्नी आशा पांडे के नाम से पत्थरगढ़ी में क्रेशर की परमिशन ली है, लेकिन उक्त क्रेशर पत्थरगढ़ी में नहीं बल्कि बनकुइया में चल रहा है। यह स्टोन क्रेशर स्मिता स्टोन क्रेशर के नाम से चलता है और इसकी लीज भी आशा पांडे के नाम से है। इसकी खबर चलाई गई, निश्चित है खनन माफिया बौखला गया। कारनामा नंबर 3, इनके पत्थरगढ़ी स्थित लीज से अवैध उत्खनन हो रहा था, जिसे कलेक्टर इलैयाराजा टी ने 1 महीने पहले ही निरस्त कर दिया, जिसका मामला कलेक्टर न्यायालय में चल रहा है। कारनामा नंबर 4, भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित पांडे 1 एकड़ 64 डिसमिल अराजी नंबर 116 पत्थरगढ़ी की शासकीय जमीन में अवैध बाउंड्री बनाकर कब्जा किए हैं और यह सिर्फ सत्ता के दबाव में। कुल मिलाकर राजनीति का चोला ओढ़कर खुलेआम खनिज और भूमाफिया बना हुआ है, जिसकी खबर प्रसारित होने से बौखलाया है। कारनामा नंबर 5, दादर और मरहा में अवैध उत्खनन किया जा रहा है, इनकी दर्जनों मशीनें खड़ी हैं, कोई परमिशन नहीं,
अवैध उत्खनन अमित पांडे के द्वारा सिर्फ भाजपा के मंडल अध्यक्ष और विधायक केपी त्रिपाठी की शह पर कराया जा रहा है। कारनामा नंबर 6, बनकुया स्थित शासकीय अराजी में घर बनाया है। यह घर सब स्टेशन के सामने बनाया गया है, जहां संगठन का बोर्ड लगाकर लोगों में भय उत्पन्न किया जा रहा है। सत्ता का दबाव बनाने के लिए सत्ताधारी पार्टी का धौंस दिखाते हुए खुलेआम अवैध उत्खनन, शासकीय जमीन में कब्जा कर घर बना लिया, इन खबरों से भी बौखलाया है। कारनामा नंबर 7, शासकीय रोड को खोदकर पत्थर निकाला जा रहा है अमित पांडे के द्वारा। शासकीय सड़क में 30 फीट गहरी खाई बना दी। यह सड़क देवी मंदिर से दादर बंजारहा रोड में है, यहां कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। इनकी खबर हमारे द्वारा दिखाए जाने से मंडल अध्यक्ष बौखलाए हैं और आहत हुए हैं और थाना प्रभारी के साथ साजिश रच कर FIR दर्ज करा दी। कारनामा नंबर 8, अमित पांडे के द्वारा अवैध रूप से हेल्को मशीन का उपयोग किया जा रहा है। इनके पास चेन माउंटेन मशीन है, जिसकी परमिशन नहीं है, प्रतिबंधित है। इसके बावजूद होल ब्लास्ट कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के दबाव के सामने विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी खबर दिखाने से बनकुया मंडल अध्यक्ष अमित पांडे और इनको संरक्षण देने वाले आहत हैं और झूठी शिकायत दर्ज करा दी। अभी और है कारनामा नंबर 9, दादर और पत्थरगढ़ी में रीवा कलेक्टर ने अवैध रूप से चल रही लीज को निरस्त कर दिया है, जहां गहरी खाई कर दी गई है। पेड़ नहीं लगाए गए, 30 फुट गहरी खदाने हैं, जहां कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। इसके अवैध उत्खनन की जानकारी, इनके कारनामों की खबरें कई बार दिखाई गई। निश्चित तौर पर ही बनकुया मंडल अध्यक्ष को आहत तो होना ही था और अपने आका की शरण में पहुंचे झूठा मामला दर्ज करा दिया। कारनामा नंबर 10, पत्थरगढ़ी में 17 लाख रुपयों की वसूली का कलेक्टर न्यायालय में मामला चल रहा है। अमित पांडे के पिता मोती पांडे के द्वारा बेटे के सत्ता से जुड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हुए जितने अनैतिक और अवैध कार्य किए जा रहे हैं, क्षेत्र में कराए जा रहे हैं, हमने आवाज उठाई तो झूठी शिकायत दर्ज करा दी। इतना ही नहीं, शासकीय अराजी में अवैध घर बनाकर कार्यालय चलाया जा रहा है, वह संगठन रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्रेसर एसोसिएशन के नाम से फर्जी संगठन बनाकर धौंस दिखाई जा रही है। जानकारी मिली है, रामानंद जी जो सिमरिया विधानसभा एवं हर जगह चल रहा था, सच्चाई जो चल रही थी, जिस तरह से विधायक जी जो भारतीय जनता पार्टी के सिमरिया विधायक हैं, निरंतर लोगों के ऊपर FIR करवा रहे हैं और एकदम भ्रष्ट विधायक बने हुए हैं, निरंतर जो भी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ या FIR करवा देंगे या आक्रमण करवा देंगे, और ऐसे व्यक्ति FIR किया है जो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। कैसे? भू माफिया है, कई जमीनों में अतिक्रमण किया है, फर्जी केसर चलाता है, कई सारे उनके ऊपर स्वयं आरोप लगे हैं और क्षेत्रीय करंट का यहाँ पे इटाहा में हुआ है कांड, गोली कांड, हाँ, उस पे तो भी है ना। उनको हमारे विधायक साहब जी ने, मतलब जो आदमी मर्डर कर रहा है उसका साथ दे रहे हैं, उसको बाइज्जत बरी करवा रहे। अच्छा, तो ये क्या तात्पर्य है? ये जो अभी चैनल के ऊपर जो हेड के ऊपर जो हुआ, उनको कह रहे हैं 5 लाख की वसूली कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। देखिए, सिमरिया विधायक जी कुछ भी कह सकते हैं, उनको लोग एक और नाम दिए हैं आवारा विधायक, क्योंकि वो हमारे ऊपर भी 3-3 मामला दर्ज करवा दिए। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सनी समदरिया जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। एक मैंने अपने पंचायत के भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाया जी, तो सर्वप्रथम हमारे सिमरिया विधायक ने एक बोरी बालू चोरी का मामला दर्ज करवाया आपके ऊपर, आप मेरे ऊपर। उसके बाद फिर जब मेरी जमानत हो गई, उन्होंने हमारे ऊपर सरपंच सचिव को कहकर भेज कर थाना हमारे ऊपर शासकीय धारा लगवाया। इसके बाद जब तीसरी बार उन्होंने हमारे ऊपर हरिजन नेट का मामला दर्ज करवाया, तो जहां माननीय रामानंद पांडे जी के ऊपर दर्ज हुआ है FIR, वही हमारे ऊपर, वही जो विद्यावर्ती TI साहब जी, एक नंबर के भ्रष्ट TI है, ना जांच किया ना कुछ किया, और हमारे ऊपर सीधे हरिजन नेट का मामला दर्ज कर दिया। इस मामले में भी जिस प्रकार बोला जा रहा है कि 5 लाख रुपए की मांगने के लिए जिस प्रकार वहां बनकुइया मोड़ पे गए थे, तो क्या पुलिस क्या है इस पे जो है उनके मोबाइल को ट्रेस कर सकती थी, गए थे कि नहीं गए थे? बिल्कुल, मोबाइल ट्रेस कर सकती थी, और अगर वो बात किए हैं तो बात करने का ऑडियो वो सामने ले आए, पूरी जनता देख रही है, और पूरी सिमरिया विधानसभा के विधायक की जनता कृत्य देख रही है, किस तरह के सिमरिया विधानसभा के विधायक कर रहे हैं। आने वाले समय में सिमरिया विधानसभा की जनता भरपूर विधायक को जवाब देगी। अच्छा, ये न्यूज विराट जो है 24 न्यूज पे ही है क्यों, बाकी चैनलों पे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? बाकी चैनलों में क्या होता है कि सच्चाई नहीं दिखाई जाती है, शॉर्ट कर दिया जाता है, कट करके। जो हमारे रामानंद जी पांडे जी हैं,
और पूरी सच्चाई दिखाते थे। जिस तरह सिमरिया की जनता सिमरिया के विधायक से त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से त्रस्त है, उसकी सच्चाई को जनता जनार्दन के समक्ष लाकर आती थी। अभी एक बार आप सुने होंगे कि एक बार जान प्राण घातक हमला किया गया वही बहन के ड्राइवरों के ऊपर। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद शर्मा जी है, वो भी जनता जनार्दन के आवाज़ को बुलंद करते हैं तो उनके भी ऊपर प्राण घातक हमला किया गया। मनो सिमरिया विधानसभा ऐसा राज्य चलाना चाहते हैं कि अगर जो हमारा कोई विरोध करेगा तो उसके ऊपर मैं FIR करवाऊंगा, नहीं प्राण घातक हमला करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। अवैध रूप से निर्मित भवन में बोर्ड लगा लिया, जिसका ध्वस दिखाकर अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है। अगर मामलों की जांच जिले के बेहद ही ईमानदार अधिकारी और भाजपा के लोकप्रिय विकास पुरुष रीवा विधायक और पूर्व खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला और जनप्रिय विधायक KP त्रिपाठी जांच करा लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी कि हमारे चैनल हेड के खिलाफ झूठी शिकायत करने के पीछे 5 लाख रुपयों की मांग नहीं बल्कि उक्त खबरों का प्रसारण है। लेकिन हम साजिश करने वालों को सचेत करते हैं। स्थानीय विधायक KP त्रिपाठी को भी और वनकुया भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित पांडे को भी कि आपके इन कारनामों से हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी FIR दर्ज करा लो, गाड़ी में हमला करवा लो, जान से मरवा दो, लेकिन जब तक जान है तब तक हम जनता की आवाज बनते रहेंगे, भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेंगे। हमें न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय में जवाब देंगे। आपकी जितनी औकात है आप दिखाओ। जनता सब जानती है कि सिमरिया विधानसभा में सैकड़ों निरपराध लोगों को अपराधी बनाया गया, आवाज उठाने वालों के ऊपर हमला करवाया गया, दबाव बनाकर पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया, जो नहीं जुड़ा उसके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई गई। यह सब जनता देख रही है और इसका जवाब भी आपको जरूर मिलेगा। जनता आपके कारनामों से आहत है, हम तो जनता की आवाज है। आप रामानंद पांडे को मरवा सकते हो, गाड़ी में हमला करवा सकते हो, झूठी FIR तक दर्ज करवा सकते हो, लेकिन विधायक जी, जनता अच्छे अच्छों को उखाड़ कर फेंक देती है। जनता की आवाज बंद करने के लिए कितने पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाओगे, कितने हमले करवाओगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। आपने देखा कि झूठी FIR दर्ज कराने के पीछे क्या कारण थे। एक बार फिर से सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कहूंगी, कहना चाहूंगी कि उक्त मामलों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए सुनाते हैं क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है। ये जो घटना भी जानकारी में आई है तो अगर सच की आवाज ही दबा दी जाएगी तो सच निकाल कर कौन लाएगा जी। सच निकालने वाला तो एक मीडिया और पत्रकार और इसी तरह से चैनल चलाने वाले लोग ही निकाल सकते हैं। और अगर रामानंद जी के ऊपर इस तरह का FIR हुआ है जो सुनने में आया है तो सरासर गलत है। वो जब अपने घर पर उपस्थित थे, उनके पास CCTV कवरेज के उनके जो रिकॉर्ड है, उसके अलावा जो पुलिस उनके ऊपर FIR करती है वो पुलिस जो है तो खुद संलिप्त है। ऐसे लोगों से पुलिस मिली हुई है, हाथ मिला के चल रही है। और ख़ासकर जो चुराहटा में पदस्थ थाना प्रभारी है वो तो हमेशा अपवाद में रहे। कब से जानते हैं उनको आप? उनको हम जब से वो रीविया में पदस्थ हुए तब से जान रहे हैं। और उनका कार्यकाल ऐसे रहा, लोकायुक्त में भी थे वो, लोकायुक्त में भी उनके ऊपर चार्ज लगे, उसे वहाँ से हटा दिया गया और थाने की कमांड दे दी गई। थाने में भी वो रहे, जहाँ भी रहे वो विवादित रहे और उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। वो चाटपाट टाइप के हैं, अगर नंबर एक के घुसखोर हैं और वो पुलिस विभाग में अगर नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। कि जब जांच करता ही ऐसे लोगों से पैसे का लेन देन करके लिप्त हो जाएगा, जो ईमानदार आदमी है उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएगा, तो निहायत शर्मनाक है ऐसी घटना का। अगर ये बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए की वसूली मांग रहे थे और ये बनकुइया मोड़ पे गए थे और मोबाइल में दिखाए तो मोबाइल तो वहाँ तक गया होगा, तो क्या इसको जो है मोबाइल को ट्रेस कर ये जानकारी नहीं ले सकते थे कि है कि नहीं है, ऐसा क्यों नहीं किए? अब ये सारी चीज़ें अब न्यायालय में इन्होंने विचाराधीन है, न्यायालय ही इसका निराकरण करेगी, न्यायालय से सारे फैसले आएंगे। चाहे इसमें जिसका भी हाथ हो, अगर फंसाने का इन लोगों का षड्यंत्र है तो ये अगर वहाँ पे सही है तो ही साबित होगा सही और गलत कौन है कौन नहीं। ठीक, धन्यवाद।
ये विषय जो है जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को, आवाज़ उठाने वाले लोगों को, उसको देखने वालों को, गांव के ग्रामीणों के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार, जिस प्रकार का फंसाने का खेल खेला गया था, उसी में का एक उदाहरण विधायक सिमरिया का अमित पांडे जो है, जो कि मोती पांडे जी का बालक है, मैं बहुत दिनों से उनको जानता हूँ, उनके द्वारा जो कि आज से, अगर आप आज से जो है अगर 5-7 साल पहले चले जाएंगे तो मोती पांडे जी जो हैं खुद जो है खनन माफिया के रूप में जाने जाते थे, और उनको जो है उनका जो ये अमित है, अमित के ऊपर कई ऐसे मामले चल रहे हैं। अभी हाल में ही उनकी लीज को कैंसिल किया था कलेक्टर महोदय ने, उनके अवैध उत्खनन के काम चल रहे हैं, क्रेशर का कोई लीज नहीं लिया गया है, और ये ऐसे ही लोग, ऐसे ही माफिया मारपीट करने वाले अपराधी यही साथी हैं विधायक सिमरिया के, और विधायक सिमरिया के द्वारा ही कहने पे जो है अमित पांडे के द्वारा ये किया गया, बहुत दुख है उनको। तो अगर इतना पाक साफ है तो इतने मुकदमे जो है, जो इतने आरोप जो लगे हैं खनन के, वो क्यों कैसे, और TI चौराहटा मेरी टेरिटरी, मैं प्रमोद शर्मा आम आदमी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी हूँ और मैं लगातार बोलता आया हूँ, तो ये मेरे पास में 4-5 लगते हैं। तो तिवारी जी जो चौराहटा में जो आए हैं, इनके ऊपर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, अभी हाल में उनके यहाँ पर जो है 20,000 का पैसा है आरक्षण, जो है आरक्षक उनका हुआ, उसने बोला 15,000 उन्होंने मंगाया है। तो ये जो है, और बिना देखे समझे, अगर मैं कहता हूँ कि तिवारी जी आप जो है वहाँ पर जो है पदस्थ प्रभारी हैं, यदि आपको कोई FIR कर रहा है, आपने कितने मामले में, मैं जानना चाहता हूँ कितने मामले में आपने बिना जांच पड़ताल की, अगर आप कोई बोल रहा है मुझे मोबाइल दिखाकर ये बताया कि 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो आपने क्या मोबाइल का ट्रेस किया कि मोबाइल कहाँ कहाँ तक गया था, क्या आपने ये साबूत जानने की कोशिश की कि ये आदमी कहाँ था, वाकई वहाँ पर गया था कि नहीं गया था। मैं कहता हूँ वीडियो के माध्यम से आपने जो है मुझे फंसाने के लिए चौराहटा TI जो आपने मुझसे 10 लाख रुपये मांगे हैं, 10 लाख मांगे, मेरा खुला आरोप है आपके लिए कह रहा हूँ मैं, तो क्या इस बात पे जो है आपके ऊपर FIR, क्या आपके जो है अधीक्षक महोदय जो है जो बेहतरीन SP हमारे यहाँ पर आए हैं नवनीत भसीन जी, उनको जो है वो क्या आपको तत्काल आपकी पर वो ट्रैप कर देंगे कहने पे? आपने क्यों ऐसा कर लिया? आपको देखना चाहिए मोबाइल का लोकेशन क्या था, वाकई में जो हैं उसके हेड हैं रमानंद जो दिखाते हैं, पूरे रीवा के अंदर में जितना मीडिया है उस मीडिया के अंदर में इस प्रकार का लोगों की बात को दिखाने का गुर्गा, ये प्रशासन से लड़ने की लड़ाई वो बहुत कम लोग होती है, और मैं जो है प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस प्रकार के लगातार कार्रवाई जो हो रही है लोग गलत लोगों पर, मेरे ऊपर भी एक FIR हुई और भी लोगों के ऊपर, ये गाँव हो रहा है लोगों के ऊपर, हो रहा है किसी मीडिया के ऊपर, हो रहा है, कम लोग होती है, और मैं जो है प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस प्रकार के लगातार कार्रवाई जो हो रही है लोग गलत लोगों पर, मेरे ऊपर भी एक FIR हुई और भी लोगों के ऊपर, ये गाँव हो रहा है लोगों के ऊपर, हो रहा है किसी मीडिया के ऊपर, हो रहा है कोई उसके ऊपर, हो रहा है जनप्रतिनिधि हो रहा है, इस प्रकार की कार्रवाई बंद करें। और मैं जो है इस आपके इस चैनल के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी को भी कहना चाहता हूँ, बेहद दुखी है सिमरिया की जनता जो आपने ऐसा निरंकुश और आने वाले समय का सबसे अधिक मतों से हारने वाला, अगर टिकट तो आप देंगे नहीं मालूम, बात मेरी हो चुकी है, टिकट आप देंगे नहीं, फिर भी अगर ये लड़ा तो इतने मतों से हारेगा कि इसका रिकॉर्ड नहीं। इस बात के लिए मैं जो है गुहार लगाता हूँ प्रशासन से, इस प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए विपक्ष के लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश प्रशासन मिलकर विधायक सिमरिया के साथ न करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए विराट 24 न्यूज, नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।